किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील दत्त बिल्लोरे भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान से आपके समक्ष हूं और आज मैं सोयाबीन में सूखा प्रबंधन के ऊपर आपसे बात करूंगा कि जिन किसान भाइयों ने सोयाबीन लगा चुके हैं और करीब करीब उनकी फसल 10 से 15 दिन की हो गई है और अभी बारिश नहीं हो रही है, तो इसी स्थिति में सोयाबीन को बचाने के लिए मैं कुछ यहाँ पर तकनीकी बताऊंगा जिससे कि हम सोयाबीन को फसल को कम से कम 10 से 15 दिन तक सूखे से बचा सकते हैं। तो ऐसी स्थितियों में किसान भाइयों से अनुशंसा है कि यदि पुरानी फसल के अवशेष हों, जैसे भूसा, गेहूं का भूसा हो या दूसरी फसलों का भूसा हो, तो वो सोयाबीन की कतारों के बीच में डालकर 2.5 टन प्रति हेक्टेयर की दर से डाल दें, जिससे कि जो ज़मीन की नमी है वो उसका हानि नहीं होगी और जो नमी है वो सोयाबीन को मिलेगी। तो इस तरह से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। या जिन किसान भाइयों को पास अवशेष, फसल अवशेष नहीं है, वो रसायन का उपयोग कर सकते हैं और उनका सोयाबीन के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं, जिससे भी उनका जो मॉइस्चर का है, नमी का हानि नहीं होगी और सोयाबीन की फसल बची रहेगी। तो इसके लिए विशेष रूप से आप पोटेशियम नाइट्रेट 1% घोल का आप उपयोग करेंगे और या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट या ग्लिसरॉल करके एक रसायन होता है, इनका 5% घोल बनाकर सोयाबीन के ऊपर स्प्रे कर देंगे तो सोयाबीन की फसल करीब करीब 10 से 15 दिन तक आपकी जीवित रहेगी और सूखे से लड़ने की क्षमता आ जाएगी। तो इस तरह से हम सूखे से लड़ने की बना सकते हैं, रणनीति बना सकते हैं और अपनी सोयाबीन की फसल को इस सूखे से बचा सकते हैं। धन्यवाद।